वैक्सीन की नहीं पड़ेगी जरूरत, खुद ब खुद टल सकता है कोरोना संकट। यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड के प्रोफेसर का दावा, कोविड 19 की शायद ही बन पाए कोई वैक्सीन। दुनिया में कोहराम मचाने वाले कोरोना वायरस को रोकने में अब तक पूरी दुनिया के सभी देश नाकाम रहे हैं। सभी देशों में कोरोना वायरस की वैक्सीन पर लगभग 100 अलग अलग टीमें रिसर्च कर रही हैं। ऐसे में कोरोना वायरस की वैक्सीन का इंतजार कर रहे लोगों की उम्मीदों को यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड के प्रोफेसर इयान फ्रेजर ने बड़ा झटका दिया है। उनका कहना है कि कोविड 19 की वैक्सीन शायद ही भविष्य में कभी बन पाए या फिर इसकी जरूरत भी ना पड़े और ये संकट खुद ब खुद टल जाए। खुद ब खुद कम होगा वायरस का असर। यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड के प्रोफेसर और सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन HPV जैसी दवा का आविष्कार कर चुके इयान फ्रेजर का कहना है कि दुनिया में कोहराम मचाने वाले इस जानलेवा वायरस का असर धीरे धीरे खुद ब खुद कम होने लगेगा। उनका कहना है कि साल 2003 में चीन में भी जन्मे SARS के लिए किसी तरह की कोई वैक्सीन नहीं बनाई गई थी, बावजूद इसके इसका संकट अपने आप टल गया था। कोरोना वायरस के मामले में भी ऐसा हो सकता है, शायद कभी ना बन पाए कोरोना वैक्सीन। इयान ने दावा किया है कि कोरोना वायरस की वैक्सीन तैयार करना वैक्सीन डेवलपर्स के लिए एक बड़ी चुनौती है, इसलिए कोविड 19 की वैक्सीन शायद भविष्य में कभी ना बन पाए। उनका कहना है कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट डिजीज यानी कि श्वसन क्रिया से जुड़े हिस्से के लिए वैक्सीन तैयार करना एक मुश्किल काम है। कोरोना वायरस शरीर में फैलने की बजाय फेफड़ों में कोशिकाओं के सरफेस पर रहता है, जबकि अन्य फ्लू वायरस के मामलों में बॉडी टी सेल्स बनाकर रक्षा करती है। कोरोना वायरस शरीर में सेल्स को मारता नहीं है बल्कि उन्हें बीमार बनाता है, इसलिए इस परिस्थिति में वैज्ञानिकों के लिए ये समझना मुश्किल है कि कोई वैक्सीन कोरोना वायरस पर कैसे अपना असर दिखाएगी। ऐसे में ये कह पाना बेहद मुश्किल है कि वैक्सीन पर टेस्ट करने वाली 100 टीमों में से किसी को भी सफलता मिल पाएगी भी या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी TV, चंडीगढ़।